हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मावरिको। बच्चों, जैसा कि आज का टॉपिक है, क्यों ज़रूरी है गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, अगर आप MBBS करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक या तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करें या फिर प्राइवेट या डीम्ड इंस्टीट्यूट से करें। ऑप्शंस आपके पास दोनों अवेलेबल रहते हैं, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट के ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं। क्यों ज़रूरी है गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटें, यही मैं बताऊंगा आपको। इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैं कहने जा रहा हूं, क्या इस वीडियो का मेन मकसद क्या है। आपको अभी से आगाह करना कि आप अभी से अगर सुधर जाएंगे, अभी से अगर मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है आने वाले टाइम में। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिल सके। सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ तो लगभग 40,000 के करीब सीटें होती है गवर्नमेंट कॉलेज की। लगभग अप्रॉक्स इतनी ही सीटें करीबन आपकी प्राइवेट कॉलेजेस की होती है। दोनों में फीलिंग होती है, ऐसा नहीं कि दोनों में फीलिंग नहीं होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आपको फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिल जाती हैं, खासकर फाइनेंशियल। जो कंडीशंस कैंडिडेट्स फाइनेंशियल बर्डन नहीं रख सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। MBBS आप आसानी से कर सकते हैं, 5 साल 5.5 साल का कोर्स होता है और कम पैसे में आप कर सकते हैं। अगर आप एनी हाउ गवर्नमेंट की सीटें नहीं पाते तो सबसे ज़्यादा जो बर्डन कैंडिडेट्स पर जाता है वो फाइनेंशियल बर्डन जाता है। उनको लोन लेना पड़ता है और उसका प्रेशर उनका दिमाग में और भी रहता है। साथ ही साथ जहाँ तक प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपको कम स्कोर पे भी सीटें मिल जाती है, ऐसा नहीं है। आप आसानी से डोनेशन भी चलता है, मींस पेड सीटें भी होती है, मैनेजमेंट कोटा भी होता है, तो आप वहाँ पे सीटें ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते, कम स्कोर पर ले सकते हैं, लेकिन जो एक्सपोज़र होता है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस का बहुत बढ़िया होता है। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी होती हैं, फैकल्टी जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सारी एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ होती हैं। वो जो फैकल्टी होती हैं वो टीचिंग में भी होती हैं, साथ ही साथ उनका रियल टाइम एक्सपीरियंस भी होता है, वो रियल टाइम पेशेंट भी देखते हैं। इस तरह से बहुत सारी मल्टीपल डिजीज़ को आप देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। जो R&D चलता रहता है वो बहुत ही वाइड लेवल पर चलता रहता है, तो एक बार गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप जाएंगे तो आपको ये पता चलता जाएगा कि क्या क्या हो रहा है एग्जैक्टली में, क्या इस समय का सिनेरियो है। तो दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है कि मतलब आप अभी मेहनत कर लें और आगे आने वाले टाइम में आप आसानी से गवर्नमेंट की सीटें ले सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सपोज़र होता है और आप आसानी से वहाँ पर जा भी सकते हैं, बशर्ते कि थोड़ा सा आपको मेहनत और स्कोर ज़्यादा करना पड़ेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। और दोस्तों, प्राइवेट कॉलेजेस में तो अगर आपके कम स्कोर भी रहते हैं तो आपको सीटें मिल जाती हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें लास्ट तक सीटें भी फिल नहीं होती हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 20 लाख से 25 लाख रुपीस चार्ज करती हैं पर एनम, तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है आपके ऊपर। तो बेटर यही है कि अभी से ऐसा किया जाए कि गवर्नमेंट कॉलेज या कोई भी बढ़िया स्टेट का कॉलेज लिया जाए, जिससे कि क्या होता है कि आपका जो दिमाग है, जो फोकस है, वो पढ़ाई में रहेगा, ना कि जो आपका EMI चुकाना है या फिर जो आपने एडुकेशन लोन लिया है उसका प्रेशर आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में पूरा फोकस होना चाहिए। तो अभी से आप अगर कोशिश नहीं कर रहे हैं तो कोशिश और अच्छी स्टार्ट कर दीजिए, प्रिपरेशन और अच्छी कीजिए कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाए। दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर साल मैं कैंडिडेट्स को ये सुझाव देता हूँ कि किसी तरह से आप गवर्नमेंट कॉलेज लीजिए, बशर्ते ये कि उनकी मेहनत अच्छी होनी चाहिए, वरना दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। 15 से 16 लाख कैंडिडेट्स हर साल आ रहे हैं दोस्तों, तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से आपको 50 से 60 हज़ार रैंक तक ही जो खेल होता है जनरल का होता है, उसके नीचे बहुत सारे कैंडिडेट्स का होता है SC ST। तो जो जनरल वालों को फेस करना है वो 60,000 रैंक तक फेस करना है। आप वहाँ तक खुद को सेव करिए, कम से कम गवर्नमेंट कॉलेज लेने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपका जो दिमाग है वो केवल पढ़ाई में लगेगा और एक्सपोज़र आपको बहुत अच्छा मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज में। जैसा कि मैंने सुना भी है और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि बहुत अच्छा एक्सपोज़र मिलता है, फैकल्टीज़ के साथ आप रहने का चांस मिलता है और उसमें बहुत कुछ उनसे सीखने का भी मौका मिलता है, क्योंकि एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ होती हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स, बाय, टेक केयर।